दिन बाद राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी और फिर नवंबर एंड या दिसंबर के प्रारंभ में चुनाव होंगे और इन चुनाव में युवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा और जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं और ग्रेजुएशन करने वाले वो बेरोजगार अलग है। 2013 में युवा बेरोजगारों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और सत्ता में लाने में अहम योगदान राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने निभाया। उसके बाद 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया और सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई। लेकिन इस बार चुनाव में किसको समर्थन देना इसको लेकर कल 2 अक्टूबर को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में युवाओं से संवाद किया जाएगा और 10 अक्टूबर तक लगातार युवाओं से संवाद किया जाएगा कि कौन सी पार्टी युवा हितैषी है, कौन सी पार्टी ने अच्छे काम किए, ये तुलना भी की जाएगी और साथ में ही जो विभिन्न दलों के प्रमुख लोगों से मुलाकात की जाएगी, उनकी कार्य योजना, युवाओं के प्रति उनकी रणनीति, युवाओं के रोजगार पेपर लीक और नौकरी के लिए उनकी क्या प्लान है उनको भी जाना जाएगा, क्या वो बेहतरीन कर सकते हैं। और इस दौरान राज्य सरकार के पास भी, कांग्रेस सरकार के पास भी समय है कि युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की, चाहे वो प्रत्याधीन 1 लाख भर्तियां हो, चाहे नई भर्तियों की 1 लाख भर्तियों की घोषणा की वो मामला हो, चाहे नियम संशोधन का मामला हो, चाहे बजट की घोषणा हो, चाहे गुजरात और लखनऊ समझौते की मांग हो, कई विभिन्न मांगों को लेकर 14 सितंबर को भी और युवा बेरोजगार महासम्मेलन जो 7 जून को आयोजित हुआ था और 18 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा था। राज्य सरकार युवाओं के हित में काम करे, अनदेखी ना करे। 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक युवाओं से संवाद करके और फिर हम निर्णय लेंगे कि इस बार युवा किसके साथ जाएंगे, किस दल के साथ जाएंगे, किसको समर्थन देंगे। 2013 में बीजेपी सरकार आई, 2018 में कांग्रेस सरकार आई और उस समय युवाओं ने साथ दिया, वही सत्ता में है और इस बार भी युवाओं के पास जीत की चाबी होगी और हम सब मिलकर निर्णय लेंगे कि किसको समर्थन देना, किसके साथ जाना है। इसलिए कल की मीटिंग महत्वपूर्ण है युवा बेरोजगारों के साथ। कल राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में 11 बजे जनसंवाद करूंगा, उसके बाद विभिन्न जगह जाकर युवाओं से संवाद करके 10 तारीख तक हम लोग पूरी रणनीति तैयार करेंगे किसके साथ होंगे। उससे पहले राजनीतिक दलों के पास भी और कांग्रेस सरकार के पास भी समय है युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को मानने के लिए, राज्य सरकार के पास समय है और विभिन्न दलों के पास वो अपनी कार्य योजना बनाने के लिए समय है कि हम लोग युवाओं के लिए क्या बेहतरीन कर सकते हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं कि इस चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी और जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। अब देखते हैं क्या राज्य सरकार आज की कैबिनेट मीटिंग में और जो कुछ दिन बचे हैं आचार संहिता लगने में क्या युवाओं की मांगों को पूरा करके युवाओं को बुना पाती है, अपने साथ ला पाती है। क्या अन्य दल युवाओं की पीड़ाओं को समझते हुए वो युवाओं से संपर्क करके ये कहेंगे कि हम लोग इन मांगों को पूरा कर सकते हैं, हमारी सत्ता में आएगी, हमारी योजना यह है कि हम युवाओं के लिए ये कर सकते हैं। तो विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, कार्य योजनाएं बनाएंगे और युवाओं से संवाद भी करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें समर्थन किसको देना, सत्ता में किसको लेकर आना। लेकिन बड़ी भूमिका युवाओं की होगी और जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। धन्यवाद।